इज इंडिया हिंदू राष्ट्र नाउ? व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिन भर की न्यूज में क्या देखते हो? हिंदू, मुस्लिम, कास्टिज्म, सेक्युलरिज्म, क्योंकि इनके पास कुछ और है ही नहीं दिखाने को। They have been dividing us from the very first day. अभी कोई नई बात नहीं है, कुछ टाइम तक लोग बातें करेंगे सेक्युलरिज्म और देशभक्ति के नाम पर और फिर सब भूल के चुप हो जाएंगे एंड देन अगेन जब कुछ होगा तभी नेवर एंडिंग साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा। और भगत सिंह ने एक बात कही भी थी, आपने अगर नहीं सुनी हो तो अब सुन भी लीजिए। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। और इस साल में क्या हुआ? साल की शुरुआत में दिल्ली के दंगे जिसमें ना जाने कितने मासूमों के घर बर्बाद हो गए और कितनों के सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गए। और फिर लॉकडाउन के बाद राम मंदिर के नाम पे पंगे जिसमें ना जाने कितनों को पकड़ पकड़ कर राम के नारे लगवाए गए। जय श्री राम बोल। जय श्री राम तो बोला यार। बोला नहीं, बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। जय श्री राम बोलो। भगवान रामचंद्र की जय। इधर बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोल। जय श्री राम। काट दूंगा। और ये सब किस लिए? क्योंकि इन्हें पता है कि इंडिया में हिंदू मुसलमान के नाम पर और रिलीजन के नाम पर जितने वोट मिलते हैं वो कितना ही भारत निर्माण करवा लो उसमें उतने वोट नहीं मिल पाते हैं। और ये सब चीजें यहाँ से शुरू नहीं होती, ये सब चीजें यहाँ से शुरू होती है और इनकी बातों से शुरू होती है। और बाकी की बची कुची कसर इंडिया के न्यूज चैनल कर देते हैं। और ये सब खत्म कहाँ पे होता है? ये सब खत्म आम लोगों की जान पे जाकर होता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फेक प्रोपेगेंडाज ऑन द सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पे बहुत फेक अकाउंट्स के जरिए फेक प्रोपेगेंडा सर्कुलेट किए जाते हैं जो कि लोगों को माइंड वॉश करने का बहुत बड़ा काम करते हैं। एंड सेकंड इज बायस न्यूज। न्यूज चैनल पर तो आपने देखा ही होगा कैसे ये हर चीज में हिंदू मुसलमान को डाल देते हैं और फिर सोशल मीडिया पे हिंदुइज्म खतरे में कि ये हैशटैग चलाते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि इंडिया में 966 मिलियन पॉपुलेशन है हिंदूज की एंड 182 मिलियन पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, तो कैसे हिंदू कम्युनिटी खतरे में हो सकती है? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज की हिंदू मुस्लिम वाली हेट स्पीचेस जो कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ज्यादातर सुनने को मिलती है और कुछ अंधभक्त इन बातों पे उनको वोट देकर जिता देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन नंबर 1, फेक मैसेजेस और फेक अकाउंट्स की रिपोर्ट, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन यही चीज सबसे ज्यादा लोगों को टारगेट करती है। एंड सॉल्यूशन नंबर 2, सोर्स ऑफ न्यूज को चेंज करना, क्योंकि आज भी ऐसे कई न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर है जिनको लोगों ने देखना और पढ़ना बंद कर रखा है, जैसे कि राज्यसभा टीवी, ऑल इंडिया रेडियो एंड डीडी न्यूज। और रही बात न्यूज़पेपर्स की, तो ये एक ऐसा सेक्टर जो कि काफी टाइम से बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा था और कोविड की वजह से और भी ज्यादा लॉस में आ गया, जिसकी वजह से जो लोकल न्यूज़पेपर है उनको अपने न्यूज़पेपर बंद करने पड़ गए। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपको जौन सा न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगे, जो आपके पास में अवेलेबल हो, उसको आप जरूर पढ़ें, जरूर खरीदें उस न्यूज़पेपर को, ताकि इस सेक्टर की थोड़ी हेल्प की जा सके और इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जा सके। और सॉल्यूशन नंबर 3, पॉलिटिकल पार्टीज को स्पीच के बेस पे वोट ना देकर अगर उनके काम पे उनको वोट दिया जाएगा तो देश की तरक्की होगी, नहीं तो हर साल स्पीच सुनकर सिर्फ हेट फैलेगी और कुछ नहीं। तो जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आप ना पड़े। हिंदू मुस्लिम होने से पहले हम सब इंसान हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। एंड वेट, वन मोर थिंग, से नो टू प्लास्टिक, क्योंकि ये अर्थ हिंदू मुसलमानों की नहीं, हम इंसानों की है। थैंक यू।